बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। फूड प्रिजर्वेशन का जो पहला टेक्निक था बॉयलिंग, इसके बारे में मैंने बताया था कि लिक्विड फूड को हम लोग जब बॉयल कर देते हैं तो उसके अंदर माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होता है बच्चों, वो ख़त्म हो जाता है। मिल्क को जब हम लोग हाई टेम्परेचर और कम टाइम के लिए जब हम लोग उसको करते हैं पॉस्चराइजेशन, तो वो क्या होता है कि उसमें माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारा जो मिल्क है वो बच जाता है, बढ़िया रह जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, अगला प्रोसेस है रेफ्रिजरेटिंग एंड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग, ये क्या है बच्चों कि द स्पॉयलेज ऑफ फूड सच एज वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट्स, बॉयल्ड मिल्क, कर्ड एंड कुक्ड फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाई कीपिंग देम एट लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर्स इन कोल्ड स्टोरेज। बच्चों, कोई फूड ऐसा है जो कि स्पॉयल होने वाला है, तो ऐसे फूड को हम लोग जब डीप फ्रीजर में रख देते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो काफ़ी समय तक वो ठीक ठाक अपनी कंडीशन में बना रह जाता है। द टेम्परेचर इन फ्रीजर्स इज केप्ट बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फ्रीजर्स होते हैं बच्चों, उनका टेम्परेचर हम लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं या उससे कम रखते हैं। माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई कैन नॉट थ्राइव इन सच लो टेम्परेचर्स। जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब बच्चों इतने टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इतने टेम्परेचर में वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो इनक्यूबेशन टेम्परेचर होता है, मीन्स दैट कि इन ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिनिमम टेम्परेचर उनको 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ही चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाएंगे। तो टेम्परेचर चूँकि कम होता है, इसीलिए वो लोग ग्रो नहीं कर पाते और हमारा फूड स्पॉयल होने से बच जाता है। फूड प्रिजर्वेशन का अगला स्टेप है, अगला जो प्रोसेस है, अगला जो टाइप है, वो है कैनिंग। मतलब कि फूड को हम लोग कैन में प्लेस कर दें, फूड को कैन में रख दें। मैनी फूड आइटम्स लाइक रसगुल्ला, जेलीज, वेजिटेबल्स, फिश एंड सम कुक्ड फूड आइटम्स आर केप्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। कुछ फूड आइटम जैसे कि रसगुल्ला है, जैसे कि जेलीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिश है, कुछ कुक फूड हैं, तो इन सबको हम लोग बच्चों एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखने का से फ़ायदा क्या है बच्चों कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन चीज़ों में ग्रो करते हैं, कंडीशन वो क्या है, एक वार्म्थ टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, एयर चाहिए। एयर अगर नहीं मिलेगा तो बच्चों क्या होगा कि वो ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए एयर टाइट कंटेनर में रखने की उसको आवश्यकता होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो इन द अब्सेंस ऑफ एयर, और कैनिंग हम लोग करते हैं तो उनको एयर नहीं मिल पाता और माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। अगला है बच्चों यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड वेनेगर। ये सब बच्चों क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनको हम लोग यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं फूड में। देखिए कैसे, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड वेनेगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, आपके यहाँ पिकल बनता है ना, कभी कभी पिकल बनता है तो आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि उसमें सॉल्ट काफ़ी मात्रा, ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है ना, या फिर कोई भी जैसे कि जेलीज बनती हैं, चाहे जैम बनता है, तो जैम में आप लोगों ने देखा होगा कि शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बच्चों, इसका रीज़न क्या है इनको ऐड करने का, ऐड हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि एक तो पहली बात कि ये लोग तो फ्लेवर बनाते हैं, और दूसरी बात कि ये लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, और जब इनको हम लोग डाल देते हैं फूड में तो फूड हमारा बच जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ से। सॉल्ट इज अप्लाइड टू प्रिजर्व मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगोज, टमरिंड एट्सेट्रा। सॉल्ट हम लोग ज़्यादा ऐड कर देते हैं किसी मीट में, फिश में, आंवला में, या कच्चे आम है, या टमरिंड है, इमली है, तो इन सब में हम लोग ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा ज़्यादा नमक डाल देते हैं, तो ये सब प्रिजर्व हो जाते हैं, इनमें माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाता। जैम, जेलीज एंड फ्रूट जूसेज आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग शुगर। जैम है, जेलीज हैं, या फिर फ्रूट के जूसेज हैं, इन सब को, इन सब में हम लोग थोड़ा सा शुगर मिला देते हैं तो ये प्रिजर्व हो जाते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। ये शुगर क्या करता है बच्चों, ये मॉइस्चर को कम करता है, मॉइस्चर कंटेंट को ये कम कर देगा, और जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है या फंगस का ग्रोथ है उसको ये स्टॉप कर देता है। ऑयल एंड वेनेगर आर बेस्ट नॉन फॉर प्रिजर्विंग पिकल्स।
अचार बनाने में बच्चों ऑयल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विनीगर सिरके का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव्स हैं। सम वेजिटेबल्स फ्रूट फिश एंड मीट आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन ऑयल एंड विनीगर फॉर लॉन्गर टाइम। तो बच्चों जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, फिश है, मीट है, तो इन सबको भी हम लोग ऑयल और विनीगर की हेल्प से काफ़ी समय तक प्रिजर्व कर पाते हैं। अगला है बच्चों यूज़ ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। कुछ केमिकल्स भी आते हैं जिनको हम लोग प्रिजर्वेटिव की जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि सम केमिकल्स प्रिजर्वेटिव सच एज सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है, एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। क्या नाम है बच्चों? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये दोनों क्या हैं बच्चों? ये सब प्रिजर्वेटिव हैं और इनको हम लोग कैचअप हो गया, स्क्वासेज हो गए, इनको प्रिजर्व करने में इन केमिकल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला है बच्चों ड्राइंग। इट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड आइटम्स। अगर हम लोग फूड आइटम्स में से मॉइस्चर हटा दें तो जाहिर है कि माइक्रोब्स का ग्रोथ वहाँ पर रुक जाएगा। तो ड्राइंग क्या है बच्चों? फूड आइटम्स में से मॉइस्चर कंटेंट को हटा देना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड मॉइस्ट कंडीशन टू ग्रो एंड ड्राई कंडीशंस इनहेबिट देयर ग्रोथ। उनको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, वाटर वाला कंडीशन चाहिए जिसमें कि वो ग्रो कर सकें। अगर कंडीशन ड्राई रहेगा तो वहाँ पे उनका ग्रोथ नहीं हो पाता अच्छे से। फूड ग्रेन्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेस आर सन ड्राइड आफ्टर हार्वेस्टिंग बिफोर देयर स्टोरेज। कोई भी बच्चों ग्रेन होते हैं या फिर सीरियल होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं कि सन में पहले सुखाते हैं अच्छे से, उसको काटने से पहले, ठीक ना, काटने के बाद, और उसके बाद से उनका स्टोरेज करते हैं। द लैक ऑफ मॉइस्चर इन सीड्स हेल्प्स टू स्टोर देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। सीड में अगर मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, तो काफ़ी समय तक अच्छे से रह पाएगा, अन्यथा वो ग्रो करना शुरू कर देगा और फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो बच्चों ये सब कुछ फूड प्रिजर्वेशन के कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि बॉयलिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड फ्रीजिंग, कैनिंग, यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनीगर। अगला है यूज़ ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, एंड उसके बाद लास्ट है ड्राइंग। तो बच्चों ये कुछ मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के। अब लास्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फूड प्रिजर्वेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेज है बच्चों? इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम लोग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें तो फूड हमारा माइक्रोब्स के एक्शन द्वारा स्पॉयल होने से बच जाता है। इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड, या उसको शेल्फ लाइफ भी बोलते हैं, ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स। जो भी पेरिशेबल फूड मटेरियल्स है बच्चों, उनके स्टोरेज पीरियड को ये फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक बढ़ा देता है। इट हेल्प्स इन द अवेबिलिटी ऑफ ऑफ सीजन फूड्स। ऑफ सीजन फूड है बच्चों, मतलब कि किसी एक सीज़न का फूड दूसरे सीज़न में हमें खाना है, हमें यूज़ करना है, तो अगर फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक अच्छे से इस्तेमाल की गई तो वो फूड बचा रह जाता है और एक सीज़न का फूड अगले सीजन में भी हम लोग खा पाते हैं। इट इंश्योर्स द अवेबिलिटी ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स इवन एट डिस्टेंट प्लेसेस। कोई भी पेरिशेबल फूड मटेरियल है, जैसे कि मीट ही हो गया, ठीक ना, तो वो सब फूड मटेरियल्स को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे अगर फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल किया गया तो उसको यहाँ से वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है और उस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो होती हैं बच्चों, पेरिशेबल फूड आइटम्स को स्पॉयल होने से बचाने के लिए होती हैं, ताकि उनका ऑफ सीजन इस्तेमाल किया जा सके, डिस्टेंट प्लेसेस पे इस्तेमाल किया जा सके, उस फूड का शेल्फ लाइफ बढ़ सके, ठीक ना, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ जो है उससे उस फूड का स्पॉयलिंग ना हो पाए। तो बच्चों ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग करेंगे और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे आप लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि आप लोगों को MCQs सारे टिक करने हैं, MCQs सारे सही सही उसको टिक करने हैं, उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, ट्रू फॉल्स पढ़ना है, करना है। आप लोग होमवर्क करिए, उसके बाद से इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे उनका मैं आप लोगों को कल हो सकता है तो एक या दो जो टफ क्वेश्चंस होंगे उनका मैं आंसर भी बताऊंगा। सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, आप लोग अपने से करेंगे और अपने गार्जियन से चेक कराएंगे।